हाय फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम होम सिनेमा के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर के ऊपर बात करेंगे, वो है सेंटर चैनल स्पीकर। सेंटर चैनल स्पीकर का रोल होम सिनेमा में 80-85% होता है, और मैंने बहुत सारे लोगों से ये बात सुनी है और बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम सॉल्व भी की है कि डायलॉग डिलीवरी की जो प्रॉब्लम है वो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम आती है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो सेंटर स्पीकर है उसमें से जो डायलॉग डिलीवरी कस्टमर कहते हैं कि हमारे को जो डायलॉग है वो प्रॉपर सुन नहीं रहे हैं, तो हमें वॉल्यूम बढ़ाना पड़ता है, और जैसे ही वो वॉल्यूम बढ़ाते हैं और सीन में कोई इफेक्ट आता है तो एकदम वॉल्यूम कम करना पड़ता है, जो कि एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। चाहे आप हॉलीवुड मूवी देख रहे हो, चाहे आप बॉलीवुड मूवी देख रहे हो, तो हाउ मतलब इस प्रॉब्लम को दूर कैसे किया जाए। सबसे पहला तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप अपने सिस्टम को प्रॉपर कैलिब्रेट करें। कैलिब्रेशन प्लेज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। उसमें क्या होता है कि हर चैनल एक अपने आप एम्पलीफायर उसे कैलिब्रेट कर देता है, सेपरेशन ऑफ साउंड बेटर हो जाएगी, डायलॉग डिलीवरी उससे काफ़ी बेटर हो जाएगी। और सेकंड जो पॉइंट है, जो आपका सेंटर चैनल है वो आपके टीवी या प्रोजेक्टर स्क्रीन के बिल्कुल पास होना चाहिए और आपकी तरफ एंगल्ड होना चाहिए, ताकि जो डायलॉग्स हैं वो सीधा आपके ईयर लेवल पे आएँ। अगर वो ईयर लेवल से नीचे होंगे तो आपको डायलॉग डिलीवरी हमेशा कम लगेगी और आपको सेंटर स्पीकर का वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। और इसमें क्या होता है कि सेंटर स्पीकर का जैसे ही आप कई बार वॉल्यूम बढ़ाते हो तो सेंटर स्पीकर का ख़राब होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और सेंटर स्पीकर्स पे आपको हमेशा एक अच्छा सेंटर स्पीकर भी लेना चाहिए जिसका साइज़ बड़ा हो। छोटे रूम्स के लिए हम छोटा सेंटर स्पीकर ले सकते हैं, अगर बड़े रूम्स की बात हो रही जैसे 15x20 का रूम है तो सेंटर स्पीकर का साइज़ थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ताकि उसकी थ्रो है जो उसका SPL लेवल है वो उस रूम के हिसाब से एक्यूरेट हो। और सबसे जो मेजर पॉइंट है, आप किसी कंसल्टेंट को हायर करें अपने होम थिएटर सेटअप के लिए, जो कि आपको एक सेल्स गाय की तरह सिर्फ सामान ना बेचे और आपको एक अच्छी सलाह भी दे और आपका एक अच्छा होम थिएटर सेटअप करे, ताकि आपको ये सब जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं होम सिनेमा की वो आपको ना फेस करनी पड़े। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, एंड थैंक यू।